हेलो बेटा, टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू लेसन ईयर टू ईयर। दिस लेसन इज बेस्ड ऑन एनिमल्स ईयर एंड देयर स्किन देयर पैटर्न। फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंट एनिमल हैज डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर। बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स में बेटा डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ईयर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट है, उसके ईयर्स फैन जितने बड़े होते हैं। माउस है, उसके ईयर छोटे से होते हैं। स्पैरो है, उसके ईयर नज़र नहीं आते हैं। सेकेंड, ऑल एनिमल्स हैव ईयर इवन दो वी कैन नॉट सी देम। अभी मैंने आपको बताया बेटा, सारे एनिमल्स के पास ईयर होते हैं पर सभी के ईयर्स हमको दिखाई नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पैरो, क्रो, डक, क्रोकोडाइल। थर्ड, We cannot see a bird ears. A bird has tiny hole the both side of its head. अभी मैंने आपसे पहले भी बोला, अभी भी बोल रही हूँ, स्पैरो जो है हम सब देखते हैं, स्पैरो के ईयर हमें दिखाई नहीं देते हैं पर उसके ईयर के साइड में, यानी उसके नेक के नीचे दो छोटे छोटे होल्स होते हैं और वो होल्स जो होते हैं वो उसके हेयर से ढके हुए होते हैं और वहाँ से वो सुनती है। The different pattern on the animals are due to the hair of their skin, on their skin. देखो बेटा, जैसे हम humans है, हमारा face अलग होता है, features different होते हैं, color different होता है, same to same ऐसा animals में भी होता है। Lion, tiger, zebra हम सब देख कर पहचान जाते हैं। सबकी अपनी अलग अलग pattern होती है और उनके शरीर पे, सबके शरीर पे छोटे छोटे बाल भी होते हैं पर बहुत बार वो बाल जो है हमको दिखाई नहीं देते हैं। फिफ्थ पॉइंट, द एनिमल लेज एग वाइल सम एनिमल गिव बर्थ टू देयर बेबीज। देखो बेटा, थोड़े एनिमल्स जो है वो अंडे देते हैं और थोड़े एनिमल्स जो है वो बच्चा देते हैं। अंडे देने वाले टर्टल है, फिर हैन है, फिर क्रोकोडाइल है, बर्ड्स है, फिर बेबी बर्ड्स देने वाले एलिफेंट है, लायन, टाइगर, कैट, डॉग, ये सारे एनिमल्स जो है वो बच्चे देते हैं। मैंने दूसरे वीडियो में ये सारी बातें डिटेल में बताई है बेटा। ये सिर्फ प्राइमरी इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर को डिटेल में भी हमको पढ़ना बाकी है। एक के बाद एक सारे वीडियो में आपको भेजती हूँ और आप ध्यान से देखना। सारी चीज़ें मैंने वीडियो में फ़ोटो के साथ बताई है, इसलिए आपको अच्छे से ये बात समझ में आए। बेटा, देयर आर सम पॉइंट्स। फर्स्ट, हाउ डू डिफरेंट एनिमल हियर। अब मैंने आपको बताया बेटा कि बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस सबको सुनना ज़रूरी है। बिना सुने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। पर डिफरेंट एनिमल है वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे बेटा? हमारे सामने शेर आए तो पता पड़ता है शेर के दो बड़े कान हैं। एलिफेंट आए तो एलिफेंट के कान फैन जैसे बड़े बड़े हैं। पर स्पैरो आ जाए, क्रोकोडाइल आ जाए तो हमको पता पड़ेगी कि इनके ईयर है, नहीं पता पड़ती। वॉट आर ईयर्स लाइक ऑन अदर एनिमल्स। सारे एनिमल्स में कैसे डिफरेंट टाइप के ईयर्स हमको देखने मिलते हैं, उस चीज़ के बारे में भी हमको पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको बताऊँ, फिश है, फिश सी में रहती है तो वो कैसे सुनती है, कभी आपने सोचा? या बास जो है वो ऊपर उठता है तो वो कैसे सुनता है साउंड? यानी उनकी सुनने की क्षमता, वो जो वेव्स, साउंड वेव्स जो हमारे एयर में से जाती है और उनके ईयर में जाती है, वो जो है वो सारी चीज़ें एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट होती है। वॉट एवर देयर शेप एंड साइज मोस्ट लिविंग थिंग्स आर एबल टू हियर। चाहे हमारे कान की साइज जो भी हो, बड़ी हो, छोटी हो, या हमें दिखाई ना दे, या अंदर छोटा सा होल हो, पर सब सुनने की क्षमता धराते हैं। साउंड्स आर ऑल अराउंड अस, दे ट्रैवल थ्रू द एयर, वाटर एंड लैंड। अभी मैंने आपको बताया बेटा, साउंड जो है वो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, फिश जो है वो सी में भी सुनती है, बास जो है वो ऊपर आसमान में भी सुनता है, अभी मैं यहाँ से ज़ोर से चिल्ला होता आप मोबाइल में से भी सुन रहे हो, तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है बेटा? ये सारी चीज़ें हमें
साउंड जो है वो हमें मीडिया के द्वारा मिलता है। वो मीडिया क्या है? एयर, वाटर और लैंड। जो भी साउंड होगा, जो भी प्रोड्यूस होगा, ये तीन मीडिया जो है वो उसको सपोर्ट देते हैं और वो चीज़ हमारी हमारे कान के थ्रू हमारे माइंड में पहुंचती है। नाउ ये लेसन से रिगार्डेड है बेटा, लेसन में ये चीज़ मेंशन नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। इसलिए मैंने इंसेक्ट पिक अप साउंड थ्रू टाइनी हेयर ऑन हेयर बॉडी। बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे आपने आंट है बेटा, चींटी, मच्छर, इन सबके कान हमने देखे नहीं है बेटा, पर उनकी बॉडी में क्या रहते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं और उस हेयर में छोटा सा एक छेद होता है और उस छेद के थ्रू जो है उनको ये सारे साउंड सुनने मिलते हैं। बट स्नेक फील साउंड थ्रू देयर स्किन। सांप जो होता है बेटा, उसको साउंड कहाँ से सुनने मिलता है? तो उसको अपनी त्वचा पर से पता पड़ती है। आप उसे छूओ तो उसे तुरंत पता पड़ जाती है, या जरा भी आवाज़ हुई तो तुरंत उठ जाता है। फिश एंड अदर सी एनिमल फील साउंड एज द वेव्स ट्रैवल थ्रू द वाटर। फिश और जो अदर एनिमल्स है जो सी में रहते हैं, उन्हें कैसे पता पड़ती है बेटा? तो जो वाटर के अंदर वेव्स बनेगी, उस वेव्स की जो तरंग है, वेव्स यानी तरंगी, वो जो तरंग है वो सीधे उसके ईयर में जाती है और ईयर से उसके ब्रेन में पहुँचती है। बर्ड्स एंड मेमल्स हैव ईयर कैनाल लाइक यू एंड आई। बर्ड्स और मेमल में जो है ईयर कैनाल तुम्हारे और मेरे जैसी ही होती है। जो हमारे कान की रचना है सेम टू सेम वही रचना ईयर्स में और मेमल्स में हमको देखने मिलती है। हेलो बेटा, देखो भी आपके सामने एक स्पैरो की इमेज है। अब आप स्पैरो की इमेज ध्यान से देखो, आपको चोंच नज़र आ रही है, आँख नज़र आ रही है, फेदर नज़र आ रही है, पर उसके ईयर नज़र नहीं आ रहे। सेम टू सेम ऐसा आपको क्रो की इमेज में भी ऐसा है। देखो अच्छे से, सब चोंच नज़र आ रही है, आई नज़र आ रही है, फेदर नज़र आ रहे, पर ईयर हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर क्रोकोडाइल देखो बेटा, उसमें भी ऐसा ही है, उसके दांत भी हमको अच्छे से नज़र आ रहे हैं। तो हमने कभी सोचा कि ये जो ये सारी चीज़ें हमको दिखाई दे रही है पर ईयर क्यों नज़र नहीं आ रहे बेटा? तो देखो मैं बताऊँ, ये क्रोकोडाइल के ईयर है, जो एक छोटे से छेद होते हैं उसकी चमड़ी के नीचे, वो वहाँ से सुनते हैं। ये क्रो में जो होता है फेदर के नीचे ऐसा छोटा सा छेद होता है और वहाँ से उसे सुनाई देता है बेटा। फिर देखो ये अच्छे से पास से ऐसा छोटा सा छेद होता है और उसमें से उसे सुनाई देता है। अभी देखो स्पैरो में भी सेम चीज़ ऐसी होती है, जहाँ पे ये एरो बता रहे ना, उस एरो में वहाँ पे छोटा सा छेद है और उस छेद में से जो है स्पैरो सुनती है। देखो बेटा, अब हमारे पास यहाँ पर थोड़े एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं, जिसमें स्नेक, टर्टल, चिकन, डक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, आउल और प्लेटिपस है। और आप ये बात जानते हो, क्रोकोडाइल जो है वो एक साथ 100 अंडे देता है। फिर लिजार्ड भी जो है एक साथ 10 से 15 अंडे देती है। और चिकन, जिसके अंडे तो हम आमलेट भी बनाते हैं, है ना? फिर यहाँ पर बेटा थोड़े एनिमल्स ऐसे हैं जो बच्चे देते हैं, जिसमें लायन, शीप, गोट और मेयर। फिर देखो ये जो वेल है बेटा, वेल भी अपने जैसा बच्चा ही देती है, ये अंडा नहीं देती है। फिर देखो ये थोड़े फोटो और है मेरे पास, जिसमें हमको पता पड़ता है कि ये जो मेमल्स है और जानवर से वो अंडे नहीं देते हैं, अपने जैसे बच्चे ही देते हैं। वेल, शार्क, एलिफेंट, फिर चिंपांजी, मंकी, कंगारू, डियर, लेपर्ड, फिर ह्यूमन इज़ आल्सो गिविंग बर्थ, अपने जैसा सेम बेबी देता है ह्यूमन भी। फिर लायन है,
फिर बैर है ना। अब देखो बेटा, ये लायन का बच्चा, ये एलिफेंट का बच्चा, जिराफ का बच्चा, ये बिल्ली और उसके बच्चे, और ये डॉग और उसका बच्चा। तो यानी इन शॉर्ट आपको इतना पता पड़ी बेटा आज कि थोड़े एनिमल्स जो है वो अंडे देते हैं और थोड़े एनिमल्स अपने जैसे ही बच्चे देते हैं।